नमस्कार, आज हम यह सीखेंगे कि प्रसार व मुलाकात फॉर्म कैसे भरते हैं। यह फॉर्म तीन भाग में विभाजित है। पहला प्रमुख जानकारी वाला भाग जो सबसे ऊपर है, दूसरा प्रसार वाला भाग जो बाईं तरफ है, और तीसरा मुलाकात वाला फॉर्म जो दाईं तरफ है। फॉर्म में कई जानकारी पहले से ही भरकर रख सकते हैं। पहले हम ऊपर वाले भाग के बारे में जानते हैं। इस भाग में हम हर वीडियो के हर एक प्रसार के बारे में जानकारी भरते हैं। सबसे पहले हम अपने VO, आंगनवाड़ी सेंटर या स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके साइड में हम लिखेंगे उस गांव का नाम जहां यह वीडियो दिखाया जा रहा है, और उसके आगे ब्लॉक व जिले का नाम। उसके नीचे हम भरेंगे वीडियो का नाम। हर वीडियो का सही नाम उसकी शुरुआत में आता है। हमें वही नाम लिखना है जो वीडियो में लिखा है। वीडियो का सही नाम आपको रिव्यू मीटिंग में भी बताया जाएगा और आपकी चीट शीट में भी लिखा होगा। जैसे इस वीडियो का नाम है 6 महीने तक केवल स्तनपान। बाएं वाले हिस्से में हमें वीडियो से जुड़ी जानकारी लिखनी होती है जो हम पहले से भर सकते हैं। फॉर्म में 6 विकल्प दिए गए हैं जो हैं गर्भवती महिला, 6 महीने तक के बच्चे की माँ, 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे की माँ, 2 से 5 साल तक के बच्चे की माँ, किशोरी यानी 10 से 19 साल तक की लड़की, और प्रजनन आयु की महिलाएं यानी 15 से 49 साल की महिला। पहले हम उन विकल्प पर गोल निशान लगा देंगे जो हमारे वीडियो के मुख्य लाभार्थी होंगे। जैसे कि इस वीडियो के मुख्य लाभार्थी हैं गर्भवती महिलाएं और 6 महीने तक के बच्चे की माँ। मुख्य लाभार्थी कौन है यह वीडियो में और चीट शीट में लिखा होगा और आपकी रिव्यू मीटिंग में भी बताया जाएगा। जो विकल्प नहीं लागू होता है उसे काट दें। अब हम फिर ऊपर के हिस्से में आते हैं। मध्यस्थ का नाम वाली जगह पर हम अपना नाम लिखेंगे। मध्यस्थ के साइड में हमें यह जानकारी भरनी है कि कोई स्वास्थ्य सेविका जैसे कि ANM, आंगनवाड़ी या आशा दीदी वह है कि नहीं। यदि वे उपस्थित हैं तो हाँ पर निशान लगाएंगे, वरना नहीं पर निशान लगाएंगे। अगर आपने भरा है कि स्वास्थ्य सेविका उपस्थित है तो उसका नाम सदस्य का नाम में नहीं लिखेंगे। यदि आप खुद ही स्वास्थ्य सेविका हैं तो भी हाँ भरें। उसके नीचे हम प्रसार की तारीख लिखेंगे यानी वह तारीख जिस दिन हम वीडियो दिखा रहे हैं, और साथ ही प्रसार चालू होने का समय भी। उसके नीचे है समूह का नाम। क्योंकि हम अक्सर 2 समूह को एक साथ वीडियो दिखाते हैं, इसलिए फॉर्म में 2 समूहों का नाम लिखने की जगह दी गई है। हम पहले और दूसरे समूह का नाम यहाँ लिखेंगे। उनके आगे एक 0 भी है और लिखा है सदस्य जो किसी भी समूह में नहीं है। यदि आप VO मीटिंग, आंगनवाड़ी सेंटर या स्कूल में वीडियो दिखा रहे हैं तो उसी का नाम समूह 1 में लिखें। यह वीडियो देखने वाले लोगों की जानकारी भरने में काम आएगा। कैसे यह हम आगे सीखेंगे। अब हम जाते हैं बाईं तरफ के हिस्से में जहां लिखा है प्रसार के समय इस भाग को भरें। सबसे पहले लिखा है सदस्य का नाम। यहाँ पर उनका नाम लिखें जिन्हें यह वीडियो दिखा रहे हैं। उनके नाम के सामने पति या पिता का नाम और उसके सामने उनकी उम्र और स्त्री या पुरुष। समूह क्रमांक में 0, 1 या 2 लिखना है। 0 का मतलब है कि वह किसी भी समूह के सदस्य नहीं है। 1 या 2 का मतलब है कि वह पहले या दूसरे समूह के सदस्य हैं। यदि आप PO मीटिंग, आंगनवाड़ी सेंटर या स्कूल में वीडियो दिखा रहे हैं तो उसी का नाम समूह 1 में लिखें और सबके नाम के सामने समूह क्रमांक 1 लिखें। आपका काम आसान बनाने के लिए हम समूह 1 के सभी सदस्यों का नाम एक लाइन से लिख सकते हैं, फिर समूह 2 के, और अंत में उनका जो किसी भी समूह के सदस्य नहीं है। इनमें से जितने भी विकल्प सदस्य के लिए लागू होते हैं उन सभी पर सही का निशान लगाएं। जिन विकल्प को काटा हुआ है वहां कुछ नहीं भरेंगे, और अंत में उनके हस्ताक्षर हैं
जो वीडियो दिखाने के बाद लेने होते हैं। अब दाईं तरफ है वह भाग जो लाभार्थी से मुलाकात करके जांच के समय भरनी है। यह मुलाकात आपको सदस्य को वीडियो दिखाने के 2 हफ्ते के अंदर कर लेनी चाहिए। इस भाग में हम उन्हीं सदस्यों की जानकारी भरेंगे जो हमारे मुख्य लाभार्थी हैं। जो मुख्य लाभार्थी नहीं हैं पर वीडियो देखने आए थे, हम उनसे मुलाकात करने नहीं जाएंगे। जैसे कि विजय के सामने एक भी सही का निशान नहीं है, क्योंकि वह मुख्य लाभार्थी नहीं है। उसके घर हम जांच करने नहीं जाएंगे। जिस सदस्य का नाम बाईं तरफ लिखा था, हम उसकी मुलाकात की जानकारी दाईं तरफ उसी लाइन में लिखेंगे। सबसे पहले उस दिन की तारीख लिखेंगे जिस दिन हम उनके घर गए। उसके बाद का सवाल है कि क्या सदस्य ने नया व्यवहार अपनाया। अगर उस सदस्य पर व्यवहार परिवर्तन लागू ही नहीं होता है तो हम छोटी सीधी रेखा खींच देंगे। हाँ या नहीं जानने के लिए हम चीट शीट में दिए गए सवाल पूछेंगे और जवाब के अनुसार हाँ या ना में से एक विकल्प चुनेंगे। यदि हाँ है तो सही का निशान लगाएंगे, यदि नहीं है तो गलत का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी सदस्य नेहा गर्भवती हैं, इसलिए वह केवल स्तनपान वाली वीडियो की मुख्य लाभार्थी तो हैं, पर वह यह व्यवहार अभी नहीं अपना सकती क्योंकि उनका बच्चा अभी तक नहीं हुआ जिससे वह स्तनपान करा सके। पर हम सभी लाभार्थियों से याद रखने वाले मुख्य बिंदु जरूर पूछेंगे ताकि हम यह जान सकें कि उन्हें वह बातें याद है कि नहीं। मुख्य बिंदु के सवाल भी आपकी चीट शीट में एक क्रम से लिखे होंगे। हम उसी क्रम में सवाल पूछेंगे और जवाब के अनुसार उसी क्रम में हाँ या नहीं भरेंगे। सभी सवाल पूछने के बाद हम सदस्य का हस्ताक्षर ले लेंगे। नेहा से मिलने के बाद अगर हम शालिनी के घर गए, जो गर्भवती होने के साथ साथ 6 महीने तक के बच्चे की माँ भी हैं, 6 महीने तक का मतलब पूरे 6 महीने खत्म होना, हम उनसे पूछेंगे कि उसने व्यवहार अपनाया कि नहीं। सभी याद रखने वाले बिंदु के बारे में हम क्रम से सवाल पूछेंगे और जवाब सही है या गलत भरकर हस्ताक्षर लेंगे। फॉर्म को पलट के देखें तो सबसे नीचे आपकी टिप्पणी और अनुभव लिखने की जगह दी है, उसके साथ ही अपना हस्ताक्षर करना होता है और उसके बाद ही उसे जमा करना होता है। यदि 28 से ज़्यादा लोग वीडियो देखने आए हैं तो अगली शीट में उनकी जानकारी भरें। यदि यह फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी हो तो अपने ट्रेनर को अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।